है, तो वो आपके अंदर से ऐसी अपने अपने छोटे छोटे चमत्कार से अनुभूति करा देंगे कि हम यहाँ विराजमान हैं, हम ही नियामक हैं, हम ही करता है, तू आराम से बैठ के राम नाम जपा कर। यानी भक्त के मन में इच्छा जगी कि उसकी पूर्ति होने लगती है, होने लगेगी। वो पूर्ति करने के लिए कहने की जरूरत नहीं है, खुद ही कर देते। आप दुर्गा सप्तशती का भी पाठ भी कह रहे थे, यम यम चिंतित काम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। निश्चित ही जो जो मनोरथ है, इच्छा है, चिंतित जो जो व्यक्ति के मन में वो आएगा, वो सब पूरा होने सब पूरा होने लगेगा। जी जी पंडित जी, इस कड़ी में फिर उसी जगह पे आते हैं जहाँ से हम लोगों ने शुरू किया था। वहाँ बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर की हम लोग बात कर रहे थे कि उनके अंदर विशेष कृपा है, और बिल्कुल सत्य है। कोई व्यक्ति अगर हनुमान जी किस तरह से साधना करे, और आपने कहा कि यो मैं हाथ जोड़ करके बता रहा हूँ, एक व्यक्ति हनुमान जी के सामने बैठा रो रहा था। अच्छा। उसकी क्या इच्छा थी हनुमान जी जान रहे थे या वो व्यक्ति जान रहा था। सुबह के 7:30 बजे चोले चढ़ रहे थे, सिंदूर का लेपन हो रहा था, हनुमान जी की बात कर रहा हूँ इसी मंदिर की। बाबा ने अपने सीने पे 29 लिखा, 2 और 9 ना। इस मंदिर में बिल्कुल सत्या, हाँ, दोनों नजरों से देखी हुई घटना है ये। 2 और 9 लिखा उनके सीने पे अंकित हो गया। हाँ, ये सीने पर जहाँ राम राम लिखा हुआ है वहाँ पर उन 2 9 लिखाया। अच्छा। मैंने कहा इधर राम नाम नहीं है, तो 29 लिख रहे हैं। मैंने 29 पढ़ी। चोला चढ़ाया, श्रृंगार करा, आरती करा, तब तक वो व्यक्ति बैठ के वहीं रो रहा था। उसकी कोई व्यथा कथा रही होगी। आरती करने के बाद मैंने उससे पूछा कि तू रो क्यों रहा है। उसने बताई, मेरे पास पैसे नहीं है और ऐसी ऐसी हमें शादी करनी है, हमें पैसे चाहिए 1,00,000 रुपए। यह एक सामाजिक बुराई है, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सट्टा, यह एक सामाजिक बुराई है। किसी का कल्याण होता है तो किसी का उजाड़ भी हो जाता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैंने उससे कही कि बाबा ने 29 नंबर लिखा है सट्टे का। अच्छा, ऐसी प्रेरणा आपके अंदर। हाँ, और वो 29 1,100 रुपये का खेला, उसके पास करीब करीब 1,00,000 रुपये आए और उसकी घर की शादी हो गई। ये ट्रू, बिल्कुल सत्य घटना है, आंखों के देखने। तो इसमें मैं कहीं नहीं था, मैं सिर्फ इस 2 आंख का प्रयोग करा जो साधन के बल पे खोलते हैं। ये मांगने वाला भी कोई और था, दाता भी कोई और था। मांगने वाला बैठा मांग रहा था, उससे वो नंबर दिखा नहीं। तो ये साधन है कि आपकी नजर पड़ गई कि हाँ, ये 29 लिख के इसको देने के लिए प्रेरणा दे रहे हैं कि इसे 29 बताई, इसकी समस्या इसी से हल हो जाएगी। तो तात्कालिक है, यह एक सामाजिक बुराई है, इस तरह से इसको बढ़ावा तो नहीं दिया जा सकता। हर कोई ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप सट्टा खेलें, नहीं। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि अब हनुमान जी की इच्छा, उनकी अपनी इच्छा, उसका जिस तरह से रास्ता दिखाया, हाँ, जिस तरह से उसकी समस्या समाधान हो रही थी, उन्होंने तत्काल कर दी। तो इस तरह से भक्तों का समाधान हनुमान जी निकाल देते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं।